जीडीए के द्वारा जिले के सभी पार्कों का सुंदरीकरण करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर के सभी पार्कों का 6 महीनों से सुंदरीकरण करवाया जा रहा है, जिसमें अंबेडकर पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क सहित अन्य पार्कों में काम चल रहा है और कुछ पार्कों में काम शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि लोग स्वच्छ वातावरण में आकर सुबह पार्कों में टहले और वहां पर लोगों को एक अच्छा माहौल मिले, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके। उन्होंने कहा, सभी पार्कों का सुंदरीकरण होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लोग गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, चिड़ियाघर के साथ पार्कों में भी घूम रहे हैं और हमारा प्रयास है कि पर्यटक को भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, जो गोरखपुर जनपद में जितने भी पार्क हैं उसका सभी का सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोगों ने पिछले 6 महीने से प्रारंभ कर रखा है। उसमें से कई पार्क हैं, जैसे अंबेडकर पार्क है, दिग्विजयनाथ पार्क है, मुंशी प्रेमचंद पार्क है, कई पार्कों में ऑलरेडी काम चल रहा है और कई पार्कों में और हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। शहर के जितने भी पार्क हैं, हम लोग का प्रयास है कि वहाँ पर लोग सुबह आएँ, वहाँ पर टहलें और वहाँ पर एक अच्छा माहौल हो, सुंदरता, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। नहीं, देखिए, पर्यटन का बढ़ावा सुविधाओं से होता है। जो पर्यटक को जो सुविधा चाहिए वो यहाँ पे अगर उपलब्ध रहेगी तो उससे बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर कोई पर्यटक गोरखपुर जनपद से बाहर से आता है तो यहाँ पे सफिशिएंट होटल्स होने चाहिए। आपने देखा, यहाँ रेडिसन होटल है, मैरियट होटल बन रहा है, ताज होटल, हॉलीडे इन होटल, कई होटल का यहाँ पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा सेकंड लेवल पे भी जो होटल्स होते हैं 2 स्टार 3 स्टार, उनका भी काम चल रहा है। तो होटल की सुविधा, आने जाने की सुविधा, आपने देखा होगा कि गोरखपुर एयरपोर्ट से 15 जगह की फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट हमारा नया आ गया है, तो एयरपोर्ट की सुविधा भी हो गई है, होटल्स की सुविधा भी हो गई है, शहर भी बहुत सुंदर दिखने लगा है, बोटिंग की सुविधा है, तमाम यहाँ पे हमारे रिलीजियस टूरिज्म के लिए हमारा गोरखनाथ मंदिर है जहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पे गीता प्रेस है जहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटकों को सुविधा दिया जाए, उनको यहाँ पे आके अच्छा अनुभव हो ताकि वहाँ रुके, यहाँ पे उससे रोज़गार भी उत्पन्न होगा। तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा।